मालेगांव शहर सिटी ऑफ पावर लूम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 2 लाख पावर लूम है। रोजाना 10 मिलियन मीटर कपड़े का उत्पादन यहाँ पर होता है। करीबन 1.5 लाख मजदूर इस उद्योग पर अपना गुजारा करते हैं। उसी में से एक मजदूर से मैं 5 सालों से वीडियो के जरिए हालात जानता रहा, जो सालों से कम मजदूरी पर गुजारा कर रहे हैं। मीडियम से भी मजदूरी मिलेंगी तो भी हमको फर्क पड़ता है। जहाँ ये लोग अगर मजदूरी बढ़ाते ताके पे तो उधर मीटर बढ़ा दे। हमारी डिमांड ये थी कि यार मीटर से मजदूरी अगर मिलती तो हमारे को भी पर्सल खाता था। तुम ताका 100 का रखो, 200 का रखो या 500 का रखो, अपने को तो मीटर से मिलना है। तो ये लोग मीटर से नहीं देते, ये लोग ताके से ही देते। और तरफ का कायदा ऐसा है कि मीटर से देते हैं, एक मीटर का जो भी उन लोग का है 60 रुपया 60 पैसा 70 पैसा, लेकिन यहाँ वैसा नहीं सी। हम कारीगर है, हमको समझता ना, ताका लिखते वो लोग 100, लेकिन वो बैठते 102 और 103। तो इसमें हमारा और माल अंदर ऊपर थे, कटौती का जो मतलब चालू है वो अलग परेशान। उधर से ये मारपीट, इधर से ये सेठ, इधर से महंगाई। अब एक गरीब आदमी क्या करेगा, मजदूर कितनी चीज़ से समझौता करेगा, एक से करते तो अभी खर्चा भी दुनिया भर का। अभी क्लास में स्कूल में भी ऐसा का पैसा लग रहा है कि लोग कोई सोचता नहीं कि कहाँ से ये बेचारा कर। अब 5 बच्चे हैं मैं, जिसमें 4 पढ़ते। मजदूरी तो 10 पैसा बढ़ी है, लेकिन महंगाई 10 रुपया बढ़ गई है। इतनी अपील है आप लोग से कि हमारी मांग और हमारी जो भी तकलीफ है मजदूरी के ताल्लुक से, ये सरकार तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। अगर इनको 1 रुपये मीटर के हिसाब से मजदूरी मिल पाई तो इनका इस महंगाई में गुजारा हो पाएगा। इनकी इस मांग को लेकर लेबर कमिश्नर को कॉल करके दबाव बनाएं। नंबर है 8991004। मालेगांव महाराष्ट्र से मैं आनंद पगारे, इंडिया अनहर्ड के लिए।